Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss a very important topic, Heisenberg uncertainty principle. So this is an uncertainty principle. So कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो uncertain होती है quantum mechanics में, उसी के बारे में हम discuss करेंगे. हम जानते हैं कि जो Newtonian mechanics था वहाँ पर, या जो classical mechanics है वहाँ हम ये sure रहते हैं कि किसी भी body या particles का हम पोजीशन और मोमेंटम सारी चीज़ें बड़े आराम से क्लियर हम बता सकते थे. लेकिन क्वांटम में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो एक ग्रुप में होते हैं और उनके हम एग्जैक्ट पोजीशन मोमेंटम को नहीं बता पाते हैं एग्जैक्टली. जैसे हम ये कहें कि इस पूरे स्पेस में जो हमारा बोर्ड है इसमें कहीं एक पार्टिकल्स है, तो हम इतना तो श्योर रहते हैं कि पार्टिकल्स इसी के कहीं बीच में है, लेकिन वो एग्जैक्टली किस टाइम पर कहाँ पर है ये कहना मुश्किल होता है. न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम बड़े आराम से बता सकते थे कि हमारा पार्टिकल्स यहाँ पे है तो इसका सिंपली कोऑर्डिनेट कुछ xy हो जाएगा, या हम सिंपली मान लेते थे x1 y1 इस टाइम पे, और कुछ अदर टाइम पे वो t2 टाइम पे कुछ x2 और y2 है. तो इस हिसाब से हम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते थे. लेकिन क्वांटम मैकेनिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से होती हैं, फास्ट होती हैं. जो पार्टिकल्स हैं यहाँ काफ़ी तेज़ी से इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनको बता पाना इतना आसान नहीं होता, बल्कि वो नामुमकिन ही होता है. तो हाइजेनबर्ग ने बताया था कि कोई भी पार्टिकल्स हो उसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेज़र नहीं कर सकते. मतलब अगर हम पोजीशन को एग्जैक्ट मेज़र कर पाएंगे तो तब तक उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या वेलोसिटी को अगर एग्जैक्टली मेज़र कर पाएंगे तो उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा. तो चलिए डिस्कस करते हैं उनके थ्योरी में क्या था. तो इनका जो थ्योरी आया था वो 1927 में आया था. उन्होंने ये बताया था कि जो पोजीशन होता है, पोजीशन एक्स और वेलोसिटी दोनों को हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते. अगर एग्जैक्ट नहीं मेजर कर सकते तो क्या होगा, इनमें भी कुछ अनसर्टेनिटी आएगी. जैसा हम इरर लिखते हैं कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में सर्टेन नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि एक्स होगा और उसके साथ थोड़ा सा कुछ और होगा. जैसे हम कुछ 1.235 को मेज़र करें एक जनरल स्केल से, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 1.2 को मेज़र कर पाएंगे, प्लस क्या होगा 0.035. तो ये वाला जो पार्ट है यही हमारा अनसर्टेनिटी है. हम इतने के बारे में तो सर्टेन हैं, इसके बारे में हम उस स्केल से सर्टेन होंगे, लेकिन इसके बारे में हम सर्टेन नहीं होंगे. अगर हम एक साधारण स्केल से किसी ऐसी राशि को मेज़र करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में सर्टेन है लेकिन इसके बारे में सर्टेन नहीं है. उसी तरीके से यहाँ है, हम अगर पोजीशन मेज़र करते हैं तो कुछ इसी तरह कर पाते हैं कि उसमें हम हमेशा अनसर्टेन होते हैं. उसी तरीके से पोजीशन में भी कुछ अनसर्टेन, वेलोसिटी में भी कुछ अनसर्टेनिटी होती है इस तरीके से. तो अगर वेलोसिटी में अगर अनसर्टेनिटी आएगी तो तुरंत यहाँ से मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. तो इसी वजह से जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आती है वो आती है डेल्टा पी. या फिर अगर इसका हम केवल एक्स कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ पे हम एक्स यूज़ करते हैं, उसी तरीके से वाई या जेड सबके लिए लिख सकते हैं. तो जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी रिलेशन है वो इसी टर्म में आता है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4π, या इसी को हम लिख सकते हैं अपॉन 2. क्योंकि जो h होता है वो होता है h/2π. ठीक है, तो या कभी कभी हम ऐसा भी यूज़ कर लेते हैं, ऐसा कुछ इसमें नहीं है, h/2π भी किसी किसी बुक में मिल जाएगा. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में और हायर स्टडी जब करेंगे तो हम इसको यहाँ पे सीधे सिंपली h ले लेते हैं, उसको नेचुरल यूनिट भी बोल देते हैं. तो ये सारी उतना मैटर नहीं करती है, बशर्ते ये है कि ये क्वान्टिटी काफ़ी छोटी है, क्योंकि यहाँ जो h है उसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड. तो चूँकि ये भी एक अनसर्टेन टर्म है, ये भी एक अनसर्टेन टर्म है, तो ये दोनों राशि काफ़ी छोटी होंगी,
क्योंकि किसी चीज़ के मेज़रमेंट में हम थोड़ी ही गलती करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये भी एक छोटा टर्म है और ये भी एक छोटा टर्म, तो दोनों ही स्मॉल टर्म है और इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो और कम आएगा। जैसे 0.000 कुछ 1-2 है, फिर 0.000 कुछ 5-6 है कुछ, तो अगर इसके भी सब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये और ज़्यादा कम आएगा। तो यहाँ जो डेल्टा एक्स होता है वो एक तरह से पोजीशन में अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ जो एटॉमिक स्केल है वहाँ का आंकड़ा कुछ 10^-14 के रेंज में जाता है, 10^-14। फिर उसी तरीके से वेलोसिटी का टर्म भी उसी टर्म में ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से जो हाइजेनबर्ग ने टर्म लिया था वो एच को लिया था कि ये करीब करीब इस रेंज में चला जाएगा, इतना छोटा इसके बराबर या लगभग ग्रेटर होगा इतना। तो ये चीज़ थी अनसर्टेनिटी के इक्वेशन में। उन्होंने यही टर्म क्यों यूज किया, क्योंकि ये दोनों टर्म बहुत छोटे होते हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी छोटा टर्म आएगा। और जो फिजिक्स की सबसे लिमिटिंग टर्म है वो यही है, लिमिटिंग पॉइंट कह सकते हैं या लिमिटिंग, ठीक है, लिमिटिंग पॉइंट। तो जो सबसे छोटी राशि है फिजिक्स में वो यही है, प्लैंक कांस्टेंट। और प्लैंक ने भी कुछ उसी बेसिस पे इसको यूज किया था स्टार्टिंग में, जब एच को लिया था कि ये सबसे छोटी से छोटी क्वांटिटी है। और यही एक तरह से फिजिक्स की लिमिट भी है, हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं लेकिन अभी तक केवल 17-18 तक मेज़र कर पाते हैं, तो आधे पे हैं कम से कम। 34 तक लिमिट है स्टडी करने की, और अभी तक मेजरेबल जो फिजिक्स में है वो करीब इतना ही है, 10^-17 से 18। इससे अगर छोटी कोई चीज़ है तो उसको हम मेज़र नहीं कर पाते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स होता है, जनरली ये पॉसिबल नहीं है। तो जिस तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पोजीशन और मोमेंटम में रिलेशन है, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस के अलावा, उसी तरीके से हम वाई के लिए भी लिख सकते हैं h/4π, और उसी तरीके से अलॉन्ग जेड एक्सिस भी लिख सकते हैं ऐसा। तो ये सारे रिलेशंस हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी रिलेशंस हैं, सारे पोजीशन और मोमेंटम के लिए। सो दिस इज़ द एनर्जी एंड मोमेंटम अनसर्टेनिटी रिलेशन। उसी तरीके से हाइजेनबर्ग ने बताया था कि अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो वहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा थीटा, उसमें अनसर्टेनिटी हो जाएगी डेल्टा थीटा। और जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम जे से डिनोट करते हैं, तो इसके अंतर्गत जो अनसर्टेनिटी आएगी वो डेल्टा जे आएगी। तो इस केस में भी हम उसी तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा जे इज़ ग्रेटर दैन इक्वल h/4π। तो सेम रिलेशन हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं, जो अनसर्टेनिटी हम यूज कर रहे हैं लीनियर मोशन में उसी तरीके से हम रोटेशन में भी यूज कर सकते हैं। रोटेशनल मोशन में भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी उसी तरीके से अप्लीकेबल है। एक और टर्म आता है इनर्जी और टाइम का, तो ये तो अनसर्टेनिटी रिलेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर मोमेंटम का। उसी तरीके से इनर्जी टाइम का भी अनसर्टेनिटी रिलेशन होता है, जैसे टाइम में अनसर्टेनिटी डेल्टा टी और इनर्जी में अनसर्टेनिटी डेल्टा ई, इसको भी हम साइमल्टेनियसली मेज़र नहीं कर सकते। तो ये भी है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी रिलेशन टाइम और इनर्जी के टर्म में, बाकी चीज़ें यहाँ सेम है। तो इन सभी टर्म को याद रखिए, हाइजेनबर्ग ने हर सभी के बारे में बात किया था, इनके भी और इनके भी बारे में और इन सभी चीज़ों के बारे में। अब थोड़ा सा इनका हम फिज़िकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि फिज़िकली इनका मतलब क्या है। तो फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला रिलेशन था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 2π या 4π,
ठीक है। तो यहाँ पे उनका स्टेटमेंट ये था कि अगर किसी भी दोनों राशि को अगर हम एग्जैक्टली मेजर कर पाएंगे तो दूसरा बिल्कुल अनसर्टेन होगा। तो हम क्या कहें, राजनबर्ग के अनुसार दोनों ही क्वांटिटी को हम एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते, यानी ये भी अनसर्टेन होगा और ये भी अनसर्टेन होगा। हम दोनों को बताएंगे लेकिन दोनों के बारे में अनसर्टेन रहेंगे, क्योंकि अगर किसी के बारे में एग्जैक्ट अगर हम बता देंगे तो दूसरा बिल्कुल अनसर्टेन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम पोजीशन के बारे में सर्टेन हो जाते हैं, इफ़ एक्स इज सर्टेन, तो अगर हम एक्स के बारे में सर्टेन होते हैं तो क्या होगा, एक्स के बारे में अगर हम सर्टेन हो जाएंगे देन अनसर्टेनिटी इन एक्स दैट इज डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। क्योंकि जब हम एक्स के बारे में सर्टेन हो जाएंगे तो अनसर्टेनिटी उसमें कुछ रहेगी नहीं, यानी डेल्टा एक्स हो जाएगा ज़ीरो। तो ये क्या देगा, अगर हम वन से देखें तो फ्रॉम वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर और इक्वल, यहाँ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम इक्वल की साइन ले लेते हैं, तो एच अपॉन फोर पाई। तो अगर हम डेल्टा पी एक्स को फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एच अपॉन फोर पाई और डिवाइड हो जाएगा इधर आके ज़ीरो। तो ये क्या कर रहा है, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी जो डेल्टा पी एक्स की वैल्यू मिल रही है वो क्या हो रही है, इनफाइनाइट। तो देख सकते हैं कि जब हम x के बारे में सर्टेन हो रहे हैं तो जो दूसरी राशि है वो बिल्कुल अनसर्टेन हो जा रहा है, जो दूसरी वाली है उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वो एक तरह से इनफाइनाइट आ रहा है। तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ रही है। उसी तरीके से इसका अगर हम रिवर्स सोचेंगे कि अगर हम मोमेंटम के बारे में सर्टेन है, जब मोमेंटम के बारे में सर्टेन होंगे तो हमारा पी एक्स सर्टेन हो जाएगा, देन डेल्टा पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, एंड देन हमें एक्स की वैल्यू ये ज़ीरो हो जाएगा, ये हमें मिलेगा। सो डेल्टा एक्स सब ज़ीरो हो जाए, इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, क्लियर है। तो जिस तरीके से हमने मोमेंटम को दिखाया था उसी तरीके से हम पोजिशन को दिखाए थे उसी तरीके से हम मोमेंटम को भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारा अनसर्टेन आ रहा है, ठीक है। और यही चीज़ें जो है क्लासिकल में नहीं थी, क्योंकि क्लासिकली हम यहाँ पे मेज़र कर पाते हैं बड़े आराम से। जैसे हम दूसरा अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, जो इनर्जी वाला टर्म था, तो या जो वेलोसिटी के टर्म में हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी वाला टर्म हम यहीं से लिख सकते हैं। वेलोसिटी में लिखेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी, इस मोमेंटम को हम चेंज कर रहे हैं, ये हो जाएगा एच अपॉन फोर पाई इस तरीके से। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एच अपॉन फोर पाई एम, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ हम देख रहे हैं कि पोजीशन और वेलोसिटी को हम मेज़र नहीं कर सकते, एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे अनसर्टेन है, ठीक है। क्योंकि जब स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, जैसे मास अगर छोटा होगा, हम एटॉमिक स्केल की अगर बात करेंगे, जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन के केस में चल रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³¹ किलोग्राम और h की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। तो हम देख रहे हैं कि जो h बाई m है ये, इसकी वैल्यू मेजरेबल है। h बाई m बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, इनका रेशियो है तो ये मेज़र करने लायक है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यानी हमें जो दोनों का इंटू मिल रहा है वो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, यानी दोनों क्वांटिटी अनसर्टेन है, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम क्लासिकल में लेके जाएं तो क्लासिकल में क्या होगा, जो भी मास होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, इतना छोटा तो क्लासिकल बॉडी का पार्टिकल नहीं होता है, तो वो जो होते हैं वो हैवी होते हैं। तो जब ये हैवी होगा तो जो h बाई m का रेशियो होगा
यच खुद ही बहुत छोटा है और उसमें अगर बहुत बड़े से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये टेंड कर जाएगा किधर की तरफ, ज़ीरो की तरफ, कि बहुत छोटी राशि में बहुत बड़े से हम अगर डिवाइड करेंगे तो वो और छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाने का मतलब क्या है कि वो ज़ीरो की तरफ टेंड कर जाएगा। तब हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू ज़ीरो, इस तरीके से। तो अगर दोनों में अनसर्टेनिटी ज़ीरो तभी हो सकती है जब ये ज़ीरो हो या ये ज़ीरो हो, तो अगर कोई भी एक ज़ीरो हो जाएगा तो हम दोनों के बारे में सर्टेन हो जाएंगे। तो क्लासिकली हम दोनों को सर्टेनली बता सकते हैं पोजीशन और वेलोसिटी, तो यही लिमिट है एक तरह से। सो दिस इज़ द लिमिट ऑफ अ क्लासिकल, दिस इज़ द लिमिट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। हैवी वाले केस में भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सारा स्मॉल हो जाएगा इसलिए इसका कोई वैल्यू ही नहीं बचेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। इनके कुछ बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस आए, जो एक ये था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, उस चीज़ को क्लासिकली हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। बाद में हाइजेनबर्ग ने उसको बताया कि क्यों न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। ये सारी चीज़ें आगे की चीज पार्ट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि पहले हम जो पढ़ते थे उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही होता था न्यूक्लियस के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थ्योरी थी। फिर बाद में जब बहुत सारे कन्फ्यूज़न आए कि इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए काफ़ी फिर डिस्कशन हुआ। बीटा एक्सपेरिमेंट में भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में, तो उस तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ, तो देन न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की थ्योरी चलती है और हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे हम डिस्कस करेंगे बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल के बारे में, तो थोड़ा सा हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं, चाहे तो अभी ख़त्म हो जाएगा। तो बोर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल में क्या था कि बोर ने ये बताया था कि जो वेव और पार्टिकल्स दोनों जो नेचर हैं, जो दे ब्रॉगली का स्टेटमेंट था कि जो पार्टिकल्स हैं उनका वेव नेचर भी होता है, तो बोर ने ये कहा कि ठीक है दोनों होता है, लेकिन दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करता। जिस थ्योरी में या जिस एक्सपेरिमेंट में या जहाँ पर हम एक थ्योरी को यूज़ करेंगे, यानी अगर किसी मटेरियल पार्टिकल्स के वेव नेचर को कहीं पर डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ उसका पार्टिकल नेचर नहीं आएगा, और अगर केवल पार्टिकल नेचर शो कर रहे हैं तो वेव नेचर नहीं आएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री रहेंगे, एक आएगा तो दूसरा नहीं रहेगा। तो यही था बोर्स का करस्पॉन्डेंस या एक तरह से कम्प्लीमेंट्री टाइप का प्रिंसिपल। तो यही चीज़ है कि जहाँ वेव थ्योरी होगी वहाँ पार्टिकल्स थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करेगी, जहाँ पार्टिकल्स थ्योरी एग्जिस्ट करेगी वहाँ वेव थ्योरी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे हमारा जो कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट है या फोटो इलेक्ट्रिक है, वहाँ पर जो पार्टिकल्स था, जो लाइट का हमने यूज किया था एज अ फोटोन, वहाँ पर वेव थ्योरी हम डिस्कस नहीं कर सकते। वेव थ्योरी के थ्रू वो सारे फिनोमेना डिस्कस नहीं हो सकते। वहाँ लाइट का केवल पार्टिकल नेचर है, वहाँ पे वेव नेचर बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम वेव थ्योरी देखेंगे तो हमने वहाँ पढ़ा था कि वेव थ्योरी उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करने में फेल रही थी, तो हम उसको क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन किए आइंस्टीन वगैरह के द्वारा। तो जो बोर्स का प्रिंसिपल था वो यही था कि जो पार्टिकल्स और वेव बिहेवियर है वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब जो सेकेंड ईयर का पार्ट चल रहा है ये, तो उसमें आपका लास्ट टॉपिक बचा है आपका वेलोसिटी है, आपका ग्रुप वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी एंड देन उनके बीच रिलेशन। तो लगभग फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने वाली है। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।